नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बीपीएससी टीचर बहाली 2 को लेकर आयोग ने जारी किया ऑनलाइन फॉर्म भरने का नया निर्देश। दिवाली और छठ के लिए 28 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा रेलवे। कल 11 बजे तक के लिए सदन हुई स्थगित। बिहार में लग रहे नए उद्योगों में टेक्सटाइल या लेदर क्षेत्र में पाए रोजगार। विराट कोहली की सफलता को लेकर पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर ने कहा ये। साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार पुलिस में जल्द होगा प्रमोशन, स्क्रीनिंग कमेटी का हुआ गठन। पुलिस महानिदेशक आरएस भट्टी की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग समिति की गठन की गई है, जो कि क्षेत्रीय चयन पर्षद द्वारा अनुशंसा के साथ उपलब्ध कराए गए कर्मियों एवं पदाधिकारियों के मनोनयन पर विचार करने का काम करेगी। बता दें कि स्क्रीनिंग समिति के गठन में सदस्य के तौर पर वित्त एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत एवं डीजीपी द्वारा मनोनीत एससी एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय के एक एक पदाधिकारी को शामिल किया गया है। मालूम हो कि सभी क्षेत्रीय पर्षद केंद्रीय स्क्रीनिंग समिति को अपनी अनुशंसा भेजने से पहले सूची का प्रकाशन करेंगे और साथ ही निर्धारित समय सीमा के अंदर उस पर आपत्ति प्राप्त करेंगे और प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा करते हुए यथोचित निर्णय लेंगे और फिर 15 नवंबर तक अनुशंसित पदाधिकारियों की सूची डीजीपी कंट्रोल रूम को उपलब्ध करानी होगी। बीपीएससी टीचर बहाली 2 को लेकर आयोग ने जारी किया ऑनलाइन फॉर्म भरने का नया निर्देश। दूसरे चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें रिक्तियों की संख्या के अलावा आयोग के द्वारा ऑनलाइन चलने वाली आवेदन प्रक्रिया के भी निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत आयोग की ओर से यह बताया गया है कि आवेदन से पूर्व अभ्यर्थियों के पास वैलिड और वर्किंग कंडीशन में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मौजूद होना चाहिए और यह नंबर फाइनल रिजल्ट तक काम करना चाहिए। वहीं आवेदन करने के दौरान योग्यता अर्हता संबंधित शर्तों के लिए जरूरी दस्तावेज उपलब्ध हो। ऑनलाइन आवेदन करने के वक्त आवेदकों को स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी होगी। जिस कंप्यूटर डेस्कटॉप से आवेदन फॉर्म भरा जाए उसमें अच्छी क्वालिटी का वेब कैम भी होना चाहिए और साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आपका बैकग्राउंड सफेद या हल्के रंग का हो और पर्याप्त रोशनी हो। दिवाली और छठ के लिए 28 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा रेलवे। त्योहारों में घर जाने वाली रेल यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से 28 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया गया है। बता दें कि यूपी और बिहार रूटों की ट्रेनों में सबसे ज्यादा मारामारी देखने को मिल रही है। दिवाली से छठ पूजा तक उत्तर मध्य रेलवे की 32 ट्रेनों की प्रतीक्षा सूची 200 के पार पहुंच गई है। हालत ये है कि 9 नवंबर से 18 नवंबर तक 15 से अधिक ट्रेनों में अभी से नो रूम हो गया है। उत्तर मध्य रेलवे की ओर से अब तक 19 स्पेशल ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया जा चुका है। दिल्ली बिहार रूट की 11 ट्रेनों के 6 से अधिक फेरे बढ़ाने का समय सारणी जारी हो गया है। बता दें कि दिल्ली पटना को दिवाली पर स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस, सूरत उधना और वलसाड के लिए दिवाली स्पेशल ट्रेन, आनंद विहार टर्मिनल पटना के लिए त्योहार स्पेशल ट्रेन समेत कई रूटों पर स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है और जाएगा। बिहार के स्कूलों में मिड डे मील खाने वाले बच्चों की संख्या में आई कमी। मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय में जिलों से मिली रिपोर्ट से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि बिहार में स्कूलों में मिड डे मील खाने वाले बच्चों की संख्या में करीब 11 लाख से अधिक की कमी आई है। बता दें कि अक्टूबर के महीने में यह आंकड़ा 69.72 लाख हो गया है, जबकि औसतन हर महीने इनकी संख्या 82 लाख होती थी। लेकिन इस कमी का सबसे बड़ा कारण यह है कि राज्य में अलग अलग स्कूलों के कई बच्चों के नाम काट दिए गए हैं, जिस वजह से मध्याह्न भोजन करने वाले बच्चों की संख्या में कमी देखी गई है। बता दें कि स्कूलों के प्राचार्य अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आसानी से निदेशालय में बच्चों की संख्या से जुड़ी जानकारी को साझा कर देते हैं और फिर उसी के आधार पर पूरे महीने मिड डे मील खाने वाले बच्चों की संख्या निर्धारित की जाती है। कल तक के लिए सदन हुई स्थगित। आज बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का पहला दिन है, ऐसे में आज नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाया गया और शोक सभा भी रखा गया। लेकिन इसी बीच माले के नेता के द्वारा हंगामे की शुरुआत कर दी गई और गाजा पर हमले में मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि देने की मांग की जाने लगी, लेकिन विस अध्यक्ष के द्वारा उनके मांगों पर समर्थन नहीं किया गया, जिसके बाद विधायक के द्वारा सदन में ही हंगामे करने की शुरुआत कर दी गई। ऐसे में इस परिस्थिति को देखते हुए अध्यक्ष के द्वारा दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद बिहार विधानसभा की कार्यवाही को तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लिहाजा अब सदन की कार्यवाही कल यानी कि 7 नवंबर को सुबह 11 बजे से शुरू होगी। मालूम हो कि यह सत्र 10 नवंबर तक चलने वाला है, जिसमें कुल 5 बैठकें होंगी। बिहार में लग रहे उद्योगों में टेक्सटाइल या लेदर क्षेत्र में पाए रोजगार। अगर आप टेक्सटाइल या लेदर क्षेत्र के अनुभवी कारीगर है तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा आईपीआरडी पर एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि ऐसे अनुभवी कारीगर जो बिहार वापस लौटना चाहते हैं उनके लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है। दरअसल बिहार में लग रहे नए उद्योगों को अनुभवी कारीगरों की जरूरत है, ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार अभी आवेदन करें और घर बैठे बिहार में काम पाएं। बता दें कि अपनी जानकारी https
बिहार है तैयार .in/ वेबसाइट पर दर्ज करें या गूगल प्ले स्टोर से कुशल श्रमिक ऐप डाउनलोड करें। वहीं यहां एम्प्लॉयर्स भी अपनी जरूरतों को दर्ज कर सकते हैं और कुशल कारीगर को आसानी से काम पर रख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में ऑफर देने का नाम पर लगाया लाखों का चूना। बिहार में साइबर अपराधियों के द्वारा ठगी के लिए नए तरीकों को अपनाया जा रहा है। बता दें कि ताजा मामला राजधानी पटना में अगमकुआं के रहने वाले प्रत्यूष और सुधांशु के खाते से साइबर शातिरों के द्वारा क्रेडिट कार्ड में ऑफर देने के नाम पर 3,02,000 रुपए की निकासी कर ली गई। ऐसे में अब इनके द्वारा इसकी शिकायत ऑनलाइन तरीके से साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज करवा दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार इन दोनों के द्वारा क्रेडिट कार्ड के लिए एक वेबसाइट से अप्लाई किया गया था, जिसके बाद प्रत्यूष के नंबर पर एक अनजान नंबर से कॉल आया और उस व्यक्ति ने अपने आप को निजी बैंक का कर्मचारी बताया और कहा कि अभी क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट चल रहा है, जिसके बाद दोनों के द्वारा क्रेडिट कार्ड लेने के लिए सहमति दे दी गई और फिर उन्हें उनके व्हाट्सएप पर एक ऑनलाइन फॉर्म कहकर लिंक भेजा गया। जैसे ही लिंक पर क्लिक किया दोनों के खातों से पैसे निकल गए। बिहार के इन 7 विश्वविद्यालयों को जल्द मिलेंगे नए कुलपति। बहुत जल्द ही राज्य के 7 विश्वविद्यालयों को नए कुलपति मिलने वाले हैं। इसको लेकर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेडकर के द्वारा चयन प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि अभी चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ऐसे में अंतिम चरण पूरा होने के बाद राजभवन सचिवालय द्वारा चयनित कुलपतियों के पैनल पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के जिन 7 विश्वविद्यालयों को नए कुलपति मिल रहे हैं उनमें पटना विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, बीएन मंडल विश्वविद्यालय, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, एलएन मिथिला विश्वविद्यालय के नाम शामिल है। वहीं नए कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी अधिसूचना राजभवन की ओर से जारी की जाएगी। बांका में पिकअप पर लोड शराब की बड़ी खेप बरामद। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी इससे जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से जीतोड़ कोशिश की जा रही, लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कोई खास कमी देखने को नहीं मिल रही। उल्टा शराब तस्कर आए दिन तस्करी के लिए नए तरीकों का निषाद करते हुए पाए जा रहे हैं। बता दें कि ताजा मामला बांका जिले के बड़ाहाट के समीप हसडीहा भागलपुर मुख्य पथ का है, जहां उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा की जा रही वाहन चेकिंग के दौरान BR10BM5391 नंबर की स्टिकर लगाई गई पिकअप वाहन से चूनों के बोरियों के नीचे प्लास्टिक की बोरी में रखे 61 पेटी विदेशी शराब बरामद किए गए और साथ ही पुलिस के द्वारा 2 तस्कर की भी गिरफ्तारी की गई है, जिसकी पहचान गब्बर कुमार सिंह और संजय यादव के रूप में की गई है। फिलहाल इन पर कार्रवाई की जा रही। राजधानी में दिवाली में पटाखों के कारण अगलगी को लेकर बनेंगे 44 फायर पोस्ट। दिवाली में पटाखों के कारण होने वाली अगलगी को घटना से निपटने के लिए बिहार की राजधानी पटना में 44 फायर पोस्ट बनाए जाएंगे, जहां दमकल की गाड़ियां सहित कर्मियों की तैनाती की जाएगी, ताकि आग लगने के बाद यह तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाए। वहीं इसके अलावा दमकल में पानी भरने के लिए हाइड्रेट को भी चिन्हित किया गया है। बता दें कि त्योहार के मौके पर दमकल के 500 से अधिक कर्मियों और अधिकारियों की टीम को लगाया जाएगा। वहीं दिवाली के मौके पर दमकल की 98 गाड़ियों को भी लगाया जाएगा। मालूम हो कि विभाग के अधिकारियों और कर्मियों के विशेष परिस्थिति को छोड़कर परिस्थिति में छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। बताया जाता है कि आग लगने की सूचना पर तुरंत दमकल की गाड़ियों को रवाना कर दिया जाएगा। पटना में ट्रेन उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार, शिक्षक निकला आरोपी। बिहार की राजधानी पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन के स्टेशन मास्टर को पत्र लिखकर ट्रेन उड़ाने की धमकी मिलने के बाद रेलवे में खलबली मच गई थी। बता दें कि इस पत्र में 1.5 करोड़ रुपए की रंगदारी की गई और रंगदारी की रकम नहीं देने पर वंदे भारत, राजधानी एक्सप्रेस, जन शताब्दी और नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनों को उड़ाने की भी धमकी दी गई थी। वहीं पुलिस के द्वारा उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके द्वारा यह धमकी दी गई थी। गिरफ्तार शख्स एक शिक्षक है और उसका नाम कामता प्रसाद है, जो कि पटना सिटी स्थित एक स्कूल में पढ़ाता है। बता दें कि रेलवे पुलिस के द्वारा को रविवार रात को पटना के बहादुरपुर में छापेमारी कर अरेस्ट किया गया है। पुलिस के अनुसार वह आवास बोर्ड की जमीन के बेचने के नाम पर करोड़ों की ठगी के आरोप में जेल जा चुका है। तेजस्वी के तलवार बांटने वाले बयान पर बचौल का बयान। आज बिहार विधानसभा सत्र में शामिल होने आए बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के द्वारा कहा गया कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। सरकार तुष्टिकरण की नीति पर चल रही है। यहां कब्रिस्तान के नाम पर जमीन की घेराबंदी हो रही, गरीबों को जमीन नहीं दिया जा रहा, यहां जानबूझकर लैंड जिहाद करवाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव के द्वारा बीजेपी पर लोगों के बीच तलवार बांटने के आरोप वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम अगर हिंदू मुस्लिम करते हैं तो उनसे पूछना चाहते हैं कि हमास पर आरजेडी और जेडीयू की क्या राय है, लाठी में तेल कौन पिलाता था, ये तो जग जाहिर है। लाठी रैली करने वाला कम से कम हमें उपदेश ना दे। भारतीय जनता पार्टी जाति की नहीं जमात की राजनीति करती है। बीजेपी के इस्तीफे मांगने वाले बयान पर तेजस्वी यादव का दो टुक जवाब।
आज बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष की ओर से बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था, शिक्षक बहाली जैसे मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग की गई, जिस पर अब तेजस्वी यादव के द्वारा दो टूक जवाब देते हुए कहा गया कि इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये लोग हर दिन सिर्फ कहते हैं कि इस्तीफा दे दो, काहे का इस्तीफा दे दो भाई, लाखों की तादाद में नौकरियां बांट रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को सुधार रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा जा रहा है, कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही, बिहार जो कर रहा उसकी देश में चर्चा हो रही है, हर राज्य में उसकी मांग उठ रही, तो किस बात का इस्तीफा दे दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम लोग का इस्तीफा मांगने से क्या होगा, देना ही है तो भारत सरकार के लोग इस्तीफा दे दे। विराट कोहली की सफलता को लेकर पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर ने कहा ये। बीते दिन विश्व कप 2023 में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए अपने वनडे करियर का 49वां शतक जड़ा और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। वहीं अब विराट की सफलता को लेकर पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक के द्वारा कहा गया कि विराट कोहली की सफलता के पीछे उनकी पत्नी है। इसके साथ ही उन्होंने विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि विराट कोहली महानतम क्यों है, मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूं। हर कोई पूछता है कि कोहली कैसे वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी बने, मगर वो इतनी मेहनत करते हैं, हमारे पाकिस्तान के कोई खिलाड़ी उसका 10% भी नहीं करते। उनके फिटनेस देखिए, जिस तरह वो दौड़ते हैं वो अविश्वसनीय है। उन्हें पता है कि 2-3 रन में कैसे तब्दील करना है। अगर विराट कोहली नीदरलैंड्स, नेपाल, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खेलते होते तो अब तक सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ चुके होते, उन्होंने इन देशों के खिलाफ सीरीज नहीं खेली। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.74 रुपए और डीजल 94.51 रुपए प्रति लीटर है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.19 रुपए और डीजल 94.91 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.98 रुपए और डीजल कीमत 95.64 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.64 रुपए और डीजल कीमत 95.32 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.74 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.36 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। अब बढ़ते हैं आज के 5 सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, पटना में दिवाली में पटाखों के कारण अगलगी को लेकर कितने फायर पोस्ट बनाए जाएंगे। ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 50। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई 44। अगला सवाल, बिहार पुलिस में प्रमोशन को लेकर किसकी अध्यक्षता में स्क्रीनिंग समिति का गठन हुआ है। ऑप्शन ए हरप्रीत कौर, ऑप्शन बी जितेंद्र सिंह गंगवार, ऑप्शन सी मानवजीत सिंह ढिल्लो, ऑप्शन डी आरएस भट्टी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आरएस भट्टी। अगला सवाल, बिहार के कितने विश्वविद्यालयों को नए कुलपति मिलने वाले हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7। अगला सवाल, बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र में कितनी बैठकें होने वाली है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 5। अगला सवाल, विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए बीते दिन अपने वनडे करियर का कितना शतक जड़ा। ऑप्शन ए 50वां, ऑप्शन बी 49वां, ऑप्शन सी 48वां, ऑप्शन डी 47वां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 39वां। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गोनर शर्मा, रवि कुमार राम, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद फहीम, मदन कुमार मोहित, नुनू गोलू कुमार, अनवर करीम खान, गौरी शंकर, धनंजय कुमार, बाबूलाल मरांडी, मुटुल रंगीला, अर्जुन राम, मोहम्मद सकीर हुसैन, शिव नारायण सदा, मानवी श्री। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार शीतकालीन सत्र में पक्ष विपक्ष के बीच किन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार डी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।